बारीक लिबास ना हो यानी ऐसा लिबास जिससे हमारे जिस्म के आदा नजर आ रहे हों या उसका नशेबो फराज चढ़ाव और उतार मालूम होता हो ऐसा लिबास नहीं होना चाहिए लेकिन आज तो हमारे मुआशरे में ऐसा लिबास आम हो चुका है मर्द हजरात भी ऐसा लिबास पहनते हैं जिससे उनके जिस्म के आदा नजर आते हैं चढ़ाव उतार नजर आता है और औरतें ऐसा लिबास पहनती हैं कि उनके जिस्म के हिस्से नजर आते हैं बारीक लिबास वो पहनती मर्द हजरात का लिबास आप जानते हैं कि आज ऐसी जींस और ऐसा पैंट लोग पहनते हैं कि अगर उन्हें रुकू करना हो तो उनकी शर्मगाह नजर आ जाए झुककर कोई चीज उठानी हो तो शर्मगाह नजर आ जाए सजदा करनी हो तो उनकी शर्मगाह नजर आ जाए या इसी तरीके से नमाज के लिए खड़े हुए हैं या चल रहे हैं पहनकर तो चढ़ाव उतार मालूम होता है या इसी तरीके से औरतें भी ऐसा लिबास पहने होती हैं जिससे उनके जिस्म के आला नजर आते हैं तो ये शरई लिबास नहीं है बिल्कुल ये शरीयत के खिलाफ हो लिबास ढीला ढाला होना चाहिए तंग नहीं होना चाहिए हदीस के अंदर आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो किस्म के जहन्नमी ऐसे हैं जिन्हें मैंने दुनिया के अंदर अभी तक नहीं देखा आपने फरमाया उसमें से एक ऐसी औरत है कि जो कासियातुन आरियात जो लिबास पहनी होगी लेकिन लिबास पहनने के बावजूद भी वो नंगी नजर आएंगी माइलातुन मुमिलात वो माइल होने वाली होंगी और लोगों को अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी और उनके सर के बाल ये बुख्ती ऊंट के कुहान की तरह से उठे होंगे यानी वो चाल जो चल रही होंगी वो मटक मटक के चल रही हों आप आज के इस दौर की औरतों पे गौर करें तो ये सारी सिफतें नजर आ रही हैं कि वो लिबास पहनी हुई हैं लेकिन लिबास पहनने के बावजूद भी वो नंगी नजर आ रही हैं उनके जिस्म के हिस्से नजर आ रहे हैं वो लोगों को अपनी तरफ माइल कर रही हैं लोग उनके लिबास को उनके पहनावे को देखकर माइल हो रहे हैं और चाल भी चल रही है तो मटक मटक के चल रही हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी औरत के बारे में कि ये औरत जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगी ऐसी औरतें जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगी दाखिला छोड़ दीजिए वो जन्नत की खुशबू भी महसूस नहीं करेंगी जबकि जन्नत की खुशबू बहुत दूर दराज से पाई जा रही होगी जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर दी जाएंगी तो तंग और बारीक लिबास नहीं होना चाहिए तंग लिबास दो तरह का होता है तंग लिबास दो तरह का होता है एक तो तंग लिबास वो होता है जिसे लोग बिल्कुल नाप साध कर बनवाते हैं ऐसा ऐसी पैंट या ऐसा पैजामा या ऐसी शलवार जिसे बिल्कुल फिट बनवाया जाता है जिससे बिल्कुल पैर के और जिस्म के हिस्से नजर आते हैं एक तंग लिबास वो होता है दूसरा तंग लिबास जो होता है वो अंदर से कुछ कपड़े पहन करके तंग किए जाते हैं जिससे बिल्कुल फिटनेस जाहिर होता है तो तंग लिबास जो है वो भी शरई लिबास नहीं है लिबास जो हो ढीला ढाला होना चाहिए जिसमें आदमी आसानी से बैठ सके उठ सके उसके जिस्म के हिस्से नजर ना आए